हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट इंडिया में। दोस्तों, हम चैनल क्रिकेट इंडिया में खेल, सिनेमा, राजनीतिक और करंट अफेयर से जुड़े नए वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप क्रिकेट इंडिया चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोजाना एक नया वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है युजवेंद्र का लकी ऑफ स्टैंप लाइन गेंदबाजी का धमाका। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में युजवेंद्र चहल के कुछ अहम भूमिका से आपको वाकिफ कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल को कैसे ऑफ स्टंप लाइन के बाहर गेंदबाजी करने का फायदा मिला और कैसे यह भारतीय टीम के लिए बहुत फायदेमंद रहा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच के जीत में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा कि उन्हें लगातार ऑफ स्टंप लाइन के बाहर गेंदबाजी करने का फायदा मिला है। चहल ने T20 क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जो किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्हें इस प्रदर्शन में मैन ऑफ द मैच चुना गया। चहल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब रूट और मॉर्गन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने माही यानी धोनी और विराट भाई से चर्चा करने के बाद उन्हें ऑफ साइड पर गेंदबाजी करने की योजना बनाई, क्योंकि उस लाइन को बरकरार रखकर उनके लिए हिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी कर रही थी तो गेंद काफी टर्न कर रही थी और पिच से धीमी आ रही थी, इसलिए मैं बिलिंग्स और जैसन रॉय को नई गेंद से फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहा था, क्योंकि वे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। फिर मैंने मिश्रा भाई को देखा, उन्हें थोड़ा टर्न मिल रहा था और वह गेंद की तेजी में विभिन्नता ला रहे, जिसे मैंने भी आजमाया, इससे मुझे विकेट हासिल करने में मदद मिली। चहल ने कहा कि मैंने भारत के लिए ज्यादा मैच नहीं खेले हैं, लेकिन जब भी मैं बेंगलुरु में खेला हूँ मुझे यह अपने घर की तरह महसूस हुआ है। मैंने यहाँ विकेट हासिल किए हैं, मैं इस तरह से प्रदर्शन को आगामी घरेलू सत्र व IPL मैच में भी जारी रखना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें।